हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, ये लॉ क्या है? सिंपल सी भाषा में एक पहले बता दूं आपको कि जितना आप किसी में चीनी डालोगे उतनी मिठास बढ़ेगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चीनी और डालोगे और ज्यादा मिठास बढ़ेगी, ठीक है? ये है ना, इसी को बेस को लेके हम हुक्स लॉ समझने वाले हैं। ये मान लेते कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, हमारे पास यहां पे ये एक स्प्रिंग है। अब ये खींचा हुआ नहीं है, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो ये 10 mm का है, मान लेते हैं, चलो 10 mm का है। इसके ऊपर वेट डालते हैं, वेट कितना डालते हैं, मान ले 1 kg डाल देते हैं, 1 kg मास जो है वो 1 kg है, तो वेट कितना बनेगा? वेट होता है mg, मास 1 kg है, जी मान लेते हैं 9.8 की जगह 10 मान लेते हैं, तो मेरे पास वेट कितना आ जाएगा? वेट आ जाएगा 10 N। तो इस पे 10 N या 1 kg जो भी आप बोलना चाहो, मैं 1 kg बोलूं या 10 N बोलूं, चलो 10 N बोल लेते हैं, ठीक है? 10 N मैंने इस पे वेट डाल दिया तो ये थोड़ा खींच जाएगा, ठीक है? स्प्रिंग को देखा ही यार, खींचते हो आप, जितना खींचो खींच जाता है। ये प्रॉपर्टी जो होती है, जिसको हम खींचे और वो खींच जाए, उसको हम प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा खींच देता हूं, लो जी खींच दिया, यहां पहुंच गया, और ये वेट जो है वो 10 N का है। अब ये खींच के 1 mm बढ़ गया, ये मान लेते हैं कि 1 mm बढ़ गया। अब मैंने क्या किया, उसी स्प्रिंग को दोबारा और वेट बढ़ा के डाल दिया, अब ये 20 N डाल दिया इस पे। तो 20 N जब डालूंगा तो ये और नीचे खींच जाएगा, पहले यहां था ना, ठीक है, स्टार्टिंग में यहां था, 1 mm यहां पे आया, क्यों? क्योंकि ये 10 N था, अब 20 N है, तो यहां 2 mm बढ़ जाएगा। मैं और डालता हूं, ठीक है, और स्प्रिंग खींच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, अब ये 30 N का वेट है, तो ये वहां तक तो वैसे ही था, अब ये 3 mm बढ़ गया। मतलब क्या है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है, वैसे वैसे इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक पॉइंट से वो बढ़ रहा है लगातार, और एक प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। जितना मीठा डाल रहे हो उतना वो मिठास बढ़ रही है, जितना मीठा डाल रहे हो उतनी मिठास बढ़ रही है। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि ये फोर्स जितना लगाओगे एक्स उतना ही बढ़ेगा, एक्स मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, ये बढ़ेगा। अब इसकी जगह अगर एक इक्वल टू का साइन आ जाए, तो यहां पर के आ जाएगा कॉन्स्टेंट, और एक्स ये आ जाएगा। अब K क्या है, K है एक कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है वो डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग कौन सा है, किस तरह का है, उसकी स्टिफनेस कितनी है, ठीक है, उस मटेरियल का ऐसा है, उस पे K डिपेंड करेगा, ठीक है। फोर्स बढ़ेगा तो X बढ़ेगा, फोर्स कम होगा तो X कम होगा, छोड़ दो फोर्स कम कर दो X कम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसको क्या कहते हैं हम, हुक्स लॉ। अगर हम एक ग्राफ बनाए कि फोर्स यहां पे है, एक्स यहां पे है, 10 N का फोर्स डाला, 1 mm मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये पॉइंट आ गया। 20 N का डाला, 2 mm आया, तो ये आ गया पॉइंट। 20 N का फोर्स डाला, 2 mm यहां पे है जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो 30 यहां पे, 3 ये पे, तो ये आ गया। तो दोनों ऐसे मिल जाएंगे, देखो, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये होता है, ये कब तक होता है ऐसा, प्रोपोर्शन कब तक होता है? अप टू इलास्टिक लिमिट, जब तक उसकी इलास्टिक लिमिट नहीं आ जाती तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। खींचोगे वापस, लेकिन एक हर चीज का एक ना कोई लिमिट होती है। जैसे हम कहते हैं ना दोस्ती में, मजाक की भी लिमिट होती है भाई, इसके बाद आगे मत बढ़, एक लिमिट है तेरी, वो लिमिट इलास्टिक भी होती है। मैंने पहले भी एग्जांपल दी हुई है, अगर आपने वीडियो देख रखी है तो मैं क्या कहता हूं उस छोटी सी एग्जांपल में, कि आपके साथ है, आपका दोस्त बैठा है, पेन को टक 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 कर रहा है, करना क्या है, तंग कर रहा है, इलास्टिक लिमिट के अंदर है वो, बार बार इलास्टिक लिमिट के अंदर ही फोर्स लगा रहा है, वापस आ रहा है, सब कुछ ऐसे कर रहा है। आप खोलो उसका पेन, स्प्रिंग पकड़ के खींच दो उसको, अले भाई ये स्प्रिंग तेरा अब क्या बन गया, प्लास्टिसिटी में आ गया, प्लास्टिक बन गया। प्लास्टिक प्लास्टिक वो नहीं होता, प्लास्टिक के मटेरियल को हम प्लास्टिक बोलते हैं। प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम फोर्स अगर किसी चीज पे लगा दें तो वो वापस नहीं आती दोबारा, आप करके देख लेना स्प्रिंग को,
पकड़ के खींचना और वापस नहीं आता एक फोर्स लिमिट के बाद। वो इलास्टिक लिमिट जो होती है वो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी इस स्प्रिंग की मान लेते हैं यहाँ पे 50 न्यूटन इसकी लिमिट है। अब अगर 50 न्यूटन से ज़्यादा लगाया तो मेरे भाई ये स्प्रिंग एक्शन ख़त्म हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो पंगे मत लो, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा होता है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये होगी हमें इलास्टिक लिमिट पता लग जाएगी, हम कहेंगे ले ले पंगा, इस तरह तक तो पंगा ले ले, उसके बाद मत जाइयो आगे। फोर्स बढ़ा डिस्टेंस, फोर्स बढ़ा डिस्टेंस, फोर्स बढ़ा डिस्टेंस, कोई बात नहीं, लेकिन कब तक? इलास्टिक लिमिट तक। तो ये कहता है कौन? हुक्स लॉ। अगर इसी को स्ट्रेस की बातों में करें, स्ट्रेस और स्ट्रेन की बातों में करें, तो स्ट्रेस जितना बढ़ाओगे स्ट्रेन उतना ही बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगा, और एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। कब तक? इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक, उससे ज्यादा नहीं मेरे भाई, इलास्टिक लिमिट तक। सेम वही है। तो इसमें भी हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो साइन एक हटेगा तो ई आ जाएगा। ई क्या कहते हैं इसे? यंग्स मॉडुलस, इस वाले ई को, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी बड़ी जबरदस्त है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, हर मटेरियल की वैल्यू अलग होगी, ई की वैल्यू अलग होगी। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको कि नहीं आई? हुक्स लॉ इसे कहते हैं। और आप ये बताओ कि आपको स्टिफनेस क्या होती है? अगर आपको स्टिफनेस पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। ठीक है, नहीं पता तो आपको मैं वीडियो अलग से बना के दूंगा उसके लिए कि स्टिफनेस क्या होती है। थैंक यू सो मच।